फैम, व्हाट्सअप, यहीं से करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज जुमरात नहीं है, मंगल है भाई। तो जैसे कि मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट करा है तो ये ब्लॉग आएगा जुम्मे को, याद रखना, जुम्मे को ब्लॉग आएगा, जुम्मे को शाम में आएगा ये ब्लॉग। अभी नहीं डालना मैं, क्योंकि अभी इसलिए नहीं डालना, जुम्मे वाले दिन डालूंगा क्योंकि अभी स्कूल वगैरह खुले, मेरा टाइम वाइम नहीं मिलता है, तो मैं ऐसे ब्लॉग बना रहा हूँ। तो भाई कुछ कभी से बता चलूँ, कल की छुट्टी है, मज़ा आया, कल की छुट्टी आ गई भाई, मज़ा ही आ गया। अरे देखो कल शायद मैं ब्लॉग डाल दूँ क्योंकि कल की छुट्टी आ चुकी है, अभी ब्लॉग तो बना रहा हूँ। वो ब्लॉग डाल दूँ यार, तुम्हें कैमरा थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, अभी इसका प्रोडक्टर भी चेंज करवाना है। चलो प्रोडक्टर वगैरह भी चेंज करवा कर आऊँगा कल मैं जाके, इसका प्रोडक्टर भी काफ़ी ज़्यादा टूट भी चुका है। अभी कोई टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं, तो मैं बोल रहा था मैं इसका ब्लॉगिंग कर लेते हैं, तो ब्लॉग यार अभी मेरा दिन में 4 बजे से बनाएगा, तो आप लोग से कल मिलते हैं, लेट्स ही चलें, आप लोग से कल मिलते हैं सही। और ब्लॉग को भाई व्यूज़ दो, सब्सक्राइब करो यार, जल्दी जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बनवा दो। ओह हाँ, इस तरह भूल ही गया, कल मैच है भाई पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच है यार, तो कल मैच का ब्लॉग आएगा, कंटेंट बन गया मैच का। चलो भाई कल तुम लोग से मिलते हैं मैच के साथ। अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं, तो मैं अभी सोने जा रहा था, मैं बोला सुबह एक क्लिप बना लेता हूँ, तो चलो फिर तुम लोग से सुबह उठ के मिलते हैं मैच के साथ, पाक वीएस न्यूजीलैंड, तो तुम लोग को उसके साथ ही मिलेंगे, तो लेट्स ही चलें फिर मिलते हैं। अभी अभी सो के उठा हूँ और टाइम हो रहा है 10:30, तो चलो यार मैंने, तो चलो फिर से तुम लोग कहते हैं वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तुम लोग को पता है मैच स्टार्ट होने में 2 घंटे हैं, मीन्स 1 बजे मैच स्टार्ट है, तो चलो फ्रेश होके आता हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। रेडी वेडी हो चुका हूँ मैं, जैसे कि तुम्हें देख सकते हो, तो चलें भाई अभी नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। मैं देख सकता हूँ मैच स्टार्ट हो चुका है और 2 आउट हो चुके हैं, 2 आउट हो चुके हैं इस वक्त, एक शाहीन ने आउट करा और एक पता नहीं किसने आउट करा, नमाज़ पढ़ रहा था, जैसे ही बाहर आया तो 2 आउट हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से मैच देखते हैं कौन जीतेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं गाइस। जैसे ही मैच दिखाते चलूँ, ये देख लो शोर की आवाज़ तो आ रही होगी, चलो दिखा दूँ। मज़ा आया, जैसे कि आपने देखा शदाब खान ने आउट करे तो 2 आउट हो गए, रन आउट हुआ और एक शाहीन शाह अफरीदी ने आउट करा है, जैसे कि तुम मैच देख सकते हो। आया मज़ा ही आ गया जी। अभी आवर है वो है नवाज का और 45 रन है, और जैसे कि तुम देख सकते हो और 2 आउट हैं, न्यूजीलैंड की बैटिंग है। वास ने पता नहीं क्या किया यार, आउट ही नहीं किया यार, इतना अच्छा आउट था, आउट ही नहीं किया यार, पता नहीं यार, उसको देख कर हंस रहा है, फिक्सिंग लग रही है मुझे तो नवाज की। आउट हो चुका, 3 आउट, अभी 8वां ओवर है शहदाब खान का, तो देखते हैं शहदाब खान क्या करता है, और 3 आउट हो चुके हैं जैसे कि तुमने देखा, और 51 रन है यार, बस जीत जा पाकिस्तान। शाहीन शाह अफरीदी ने आउट कर दिया था, मैं वीडियो नहीं बनाई लेकिन मैंने आप लोगों को थोड़ी सी क्लिप दिखाई है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा। न्यूजीलैंड ने भी टारगेट दिया है 153 का और पाकिस्तान की बैटिंग है, पाकिस्तान इस वक्त जीत चुका है पूरा पूरा मैच, 6 बॉलों पे 2 रन चाहिए, तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं गाइस। चल छह बॉल पे 1 रन चाहिए, oh
पाकिस्तान जीत चुका है। सही आ गया यार, पाकिस्तान मैच जीत गया यार। मुझे पहले पता था, मैं तुम्हें पहले ही बोलता था पाकिस्तान मैच जीतेगा। तो यार अभी बहुत मैं पागल हूँ, तो इस ब्लॉग को इधर अभी एंड नहीं करते, काम है। तुम लोग को भी वहीं पहले लेके चलते हैं, लेट्स सी। तो इधर ही एंड करते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और कैसा लगा तुम लोग मेरा ब्लॉग कमेंट बॉक्स में बता देना। और मुझे बहुत खुशी, आज मैच जीत गया पाकिस्तान, ऐसी फाइनल में भी जीत गया, बहुत मज़ा आ जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान का अगर फाइनल हो गया ना, तो आए हाय मज़ा ही आ जाएगा यार। कल इंडिया का भी मैच शायद ही तुम लोग को दिखा पाऊँ यार, कल स्कूल जाने की, आज तो छुट्टी थी, तो इसलिए। तो चलो सही है, बाय बाय, ओके फिर।